हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मंजू इंडियन रेसिपी। तो आज हम अपनी रेसिपी में बनाने वाले हैं सरसों का साग। जी हाँ, ठंडियों में सरसों का साग और मक्के की रोटियां तो क्या ही कहने हैं, मज़े ही मज़े हैं और अधिकतर सबको भी पसंद होता है। तो हमने सरसों का साग बनाने के लिए है सरसों, पालक और सोया। तो सरसों का साग खाने में जितना अच्छा लगता है ना, बनाने में भी उतना कठिन नहीं है, लेकिन काटना बहुत कठिन काम है। तो हमने यहाँ पर मेरी पालक कट चुकी है और हमने ले लिया सोया काटने के लिए। तो सोया भी काटते हैं, लेकिन अब खाना है तो काटना और बनाना मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो हमने उसके लिए दोनों चीज़ें काट ली हैं और उसके बाद बारी है सरसों की। तो सरसों को भी कट कर लेते हैं। और किस किस को सरसों का साग पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप किस तरीके से बनाते हैं एक बार ये रेसिपी ट्राई करिए, बहुत ही आसान है और टेस्टी तो बनेगी ही बनेगी। आप बना कर खाइए फिर बताइएगा कैसी लगी। तो हमने कट कर लिया तीनों चीज़ें और अब हम इसको धुल के बॉयल करेंगे, क्योंकि अगर आप चाहें तो पहले भी धुल सकते हैं, लेकिन कुछ धुल बाद में भी धुलना आसान रहता है। तो मैंने तो बाद में धुल करके और इसको कुकर में डालकर 2 से 3 सीटियां लगानी हैं। तो हमने इसको कुकर में फटाफट से डाल लेते हैं और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और उसके बाद, और ये हरी मिर्च भी डाल देनी है साथ में। और फिर हमको तैयार कर लेना है टमाटर काट कर, लहसुन प्याज टमाटर और मिर्च, ये सब चीज़ें काट करके तैयार कर लेनी है जब तक कि हमारा साग बॉयल हो रहा है। और साग, और ये हमने बड़ा बड़ा सा काट लिया है अदरक हरी मिर्च, क्योंकि हम इसको इसका पेस्ट बना के डालेंगे तो इसलिए हमने इसको बड़ा बड़ा सा काटा है। और प्याज को बारीक काटना है, प्याज और टमाटर को काटने के बाद। और इधर हमारा साग भी तब तक बॉयल हो चुका है तो हमने सारी चीज़ों को काट लिया है। और ये जो हमने अदरक और हरी मिर्च लहसुन काटा था उसको हमने कूच लिया। और ये 2 चम्मच मक्के का आटा, ये देखिए पक चुका है, तो इसको हम पोटैटो मैसर की हेल्प से मैश कर लेंगे, क्योंकि गल तो गया है लेकिन पूरी तरह से मिक्स तभी होगा जब हम इसको मैश करेंगे। और इसमें हमने डाला है 2 चम्मच मक्के का आटा और उसके बाद ये इसकी थिकनेस के लिए डाल देते हैं। और हम अब इधर रखेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं तो मस्टर्ड ऑयल ही खाती हूँ। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को थोड़ा सा सॉटे करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं अब हमारा जो पेस्ट था अदरक लहसुन का वो डालते हैं। और टमाटर डाल करके हम थोड़ी देर पकाते हैं, नमक डाल देते हैं ताकि ये टमाटर जल्दी से गल जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर भी डालते हैं। फिर इसको हम थोड़ा सा चलाते हुए, फिर ये गलने के बाद हम इसमें डालते हैं सरसों का साग जो मैश किया हुआ था। जी हाँ, उसको डाल करके हमको थोड़ा सा चलाना है और उसके बाद हमको इसमें ऐड करना है पानी ताकि ये दोबारा से अच्छे से पक जाए और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो हमें दोबारा से पकाना है। और ये देखिए पक के तैयार हो गया मेरा सरसों का साग। अब इसमें हम लगाएंगे तड़का, तड़के के लिए लेंगे देसी घी और इसके बाद इसमें डालेंगे लाल मिर्च, हींग और कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। तो ये देखिए मेरी गैस बहुत तेज़ है, जैसे तैसे मैंने तड़का गरम करके लगा दिया और ढक दिया। तो हमारा सरसों का साग बन करके तैयार है और इसका टेस्ट मक्के की रोटियों के साथ तो डबल हो जाता है। तो बनाइए और खाइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।